ये मेरा पूरे कराची को चैलेंज है, इस जैसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं DHA फेस वन के अंदर और मैं मुनव्वर भाई को लेके आया हूँ सलीम पान एंड चटखारे के ऊपर। और मुनव्वर भाई से मैंने कहा था कि आप एक बार यहाँ पर पानी पूरी और चाट खाओगे तो आपने ज़िंदगी में ऐसी पानी पूरी और चाट नहीं खाई होगी, ना ऐसा कभी टेस्ट किया होगा, मतलब इस टेस्ट के दूर से भी नहीं गुजरोगे। और मुनव्वर भाई ये कह रहे हैं कि यार ये कोई बात है, मैंने बहुत अच्छी अच्छी चाट खाई है, बहुत अच्छी अच्छी पानी पूरी खाई है। तो मैंने तो मुनव्वर भाई को दे दिया चैलेंज, आपने ऐसी पानी पूरी और चाट आपने कहीं नहीं खाई होगी। और मैं व्यूवर्स, आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, इस जैसी पानी पूरी और इस जैसी चाट पूरे कराची में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये मेरा पूरे कराची को चैलेंज है, इस जैसा टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चले मुनव्वर भाई चलते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on. मज़े के हैं कि शायद मेरे पास अल्फाज नहीं हो इसका टेस्ट बयान करने के लिए, क्योंकि उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा खाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा लजीज हैं और शायद मुझे ये रात को खाना नहीं खाना, सिर्फ गोलगप्पे से पेट भरना है, तो आई स्वेयर मैं इससे पेट भर लूँगा। मतलब इतने ज़्यादा लजीज हैं, बहुत ही मज़े के। नन्नू भाई आप बताओ कैसा टेस्ट है? बहुत मजे गए थे, जितनी मैंने आपने बताया था, जितनी हमने तारीफ की थी उससे 10 times मिला, 10 times ज़्यादा अच्छा। और जीवन आप जबरदस्त सुन सकते हैं मनु भाई के कमेंट्स कि जितनी मैंने इस, आप इसको पानी पूरी कह लो, गोलगप्पे कह लो, जितनी मैंने इसकी तारीफ की थी उससे 10 times बेटर है। मतलब बहुत दूर दूर से लोग इसको खाने के लिए आते हैं और मेरा चैलेंज है पूरे कराची को, अगर इतने टेस्टी गोलगप्पे कहीं पर भी हैं, मतलब जितने भी हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं वो बता सकते हैं कहीं पर भी हैं, तो वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं कि यहाँ के गोलगप्पे अच्छे हैं। और आई स्वेयर हम टेस्ट करके बताएंगे कि वो गोलगप्पे ज़्यादा बेटर है या ये। मेरा चैलेंज है, इससे बेटर गोलगप्पे कराची में नहीं है। आउट ऑफ सिटी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कराची में कम से कम इससे बेटर गोलगप्पे नहीं है। भाई जैसे आपने बताया था कि चाट बड़े मज़े की है और आपने चैलेंज किया था कि इस तरह की चाट की और नहीं मिली, तो बाकी मैंने खाया है, मैंने बहुत ज़्यादा खाई इस तरह की चना चाट और ये गोल करते हैं, लेकिन इस तरह की चाट जो टेस्ट इसका है वो टेस्ट किसी और का है। मैंने भी बहुत जगह से चाट खाई है और चना चाट भी और पानी पूरी भी गोलगप्पे भी, लेकिन मैं इस बात की हल्फन कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा मज़े का मैंने कहीं भी नहीं खाया। शायद मैंने आउट ऑफ सिटी भी, लाहौर से भी, इस्लामाबाद से भी काफ़ी जगह से खाए, ये जो टेस्ट है ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये एक भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं तो इन्होंने अभी चाट खाई है। भाई आप बताना चाहोगे चाट आपको अच्छी लगी है? चाट इनकी बेहतरीन है। आपने पानी पूरी कभी ट्राई की है? पानी पूरी भी खाई है, भेलपूरी भी खाई है इनकी, सही है। और भी जगहों से खाई है मगर इनका टेस्ट ज़्यादा बेटर है। इनका जो टेस्ट है ना, जो ये चटनियाँ डालते हैं इसके अंदर, मतलब वो शायद कोई और डालता होगा, जितनी सफाई से ये लोग बनाते हैं इतने सफाई से कोई बनाता नहीं होगा। और मुझे शायद इस शॉप से खाते हुए कोई 15 साल तो हो गए, तो मतलब रेगुलर तो नहीं, मतलब जब टाइम मिलता है, मौका मिलता है खाने के लिए मैं खाता हूँ। और मैं दावे से कहता हूँ आप इसकी 1.5 प्लेट खा लोगे ना तो आप खाना नहीं खा पाओगे, मतलब हैवी होते हैं, हेल्दी फूड है ये। तो इसके अंदर आप ज़बरदस्त किस्म की आलू बुखारे की चटनी है, आलू, चने और रायता, दही का, मतलब
मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी शायद आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे एक दो पीस खाने चाहिए, तो मैं इसको ना एक पीस ले लेता हूँ बात करते करते। बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको चैलेंज देता हूँ कि इससे अच्छा टेस्ट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करो सर, आपको इससे अच्छा टेस्ट कराची में कहीं पर नहीं मिलेगा, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है इसको। सलीम पान शॉप है और सलीम चटखारे भी बोलते हैं शॉप को, DHFS 1 B Market। आप यहाँ पर किसी बी मार्केट में किसी से भी पूछ लोगे सलीम गोलगप्पे या पानीपुरी का या चाट का, तो वो डायरेक्ट आपको इस शॉप का बताएगा। वो ये मेरे ख्याल से 15 साल तो मुझे खाते हुए होंगे, पता नहीं शायद ये उससे भी कई साल पुरानी है, और टेस्ट इसका जैसे 15 साल पहले मैंने खाया था लास्ट टाइम, खैर लास्ट टाइम तो कुछ 2-4 माह पहले खाया होगा, 15 साल पीछे खा रहा हूँ, तब से लेकर टेस्ट इसका आज तक बिल्कुल वैसा ही है, और एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। मनु भाई आपने जो अभी चाट और वो खाया पानी पूरी, अब वो टेस्ट कैसा लगा, मतलब अल्फाज में बताएं, दो टोक अल्फाज में व्यूअर्स को कैसा टेस्ट लगा आपको? मतलब मैंने बहुत जगह कराची में चाट खाया है, लेकिन ये पानी पूरी और चाट जो मैंने सलीम की यहाँ DHFS 1 में खाया, नो डाउट इसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चाट थी, बहुत ज़बरदस्त चाट थी। और व्यूअर दूसरी बात यह है कि मैं बहुत जगह से आइसक्रीम का शौकीन हूँ, सभी आइसक्रीम के शौकीन होते हैं, मैंने बहुत अच्छी अच्छी आइसक्रीम खाई हैं बहुत ब्रांडेड कंपनीज़ की, तो उन कंपनी के नाम लेना मुनासिब नहीं है। अच्छा, इन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया है मुनव्वर भाई ने, कि जो ये आज मुझे आइसक्रीम खिलाने वाले हैं उस जैसी बेहतरीन आइसक्रीम मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी खाई नहीं होगी, तो मैंने इनको मतलब सुनते साथ ही डिनाई कर दिया था, पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब अब बड़े बड़े ब्रांड आपको पता है कौन कौन से ब्रांड हैं, उनकी सबकी आइसक्रीम्स खाई हैं, तो कैसा पॉसिबल है कि उससे अच्छी कोई आइसक्रीम हो सकती है? इन्होंने मुझे चैलेंज दिया है मुनव्वर भाई, जिस तरह आपने चाट की तारीफ की है, चाट माशाल्लाह वैसे ही बहुत ज़बरदस्त थी, इसी तरह मैं आपको कहूँ यहाँ करीब में DHA के अंदर ये एक आइसक्रीम है, वो आप खाएंगे तो आप, मैं करूँ आप आइसक्रीम के लिए भी मैं चैलेंज कर सकता हूँ, इस जैसे आइसक्रीम आपने कभी नहीं खाई। रिवर्स मैंने तो चैलेंज दिया था, मैंने तो कंप्लीट कर दिया, जीत गया मुनव्वर भाई को, मैंने बोला था चाट और जो गोल के पट्टे इससे ज़्यादा मज़े के नहीं है, वो उन्होंने सेट कर लिया। अब लेट्स सी कि जो ये मुझे चैलेंज दे रहे हैं कि वो अपने चैलेंज पूरा करते हैं कि नहीं करते, तो आए फिर आइसक्रीम ट्राई करते हैं, देन मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि वो कितनी मज़े की है और वो क्या क्या वैरायटी है। ख़ास बात है जो इतना इन्होंने तारीफें कर दी हैं कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, इंशाल्लाह आप एक नहीं खाओगे आप तो कि मैं एक और खाऊंगा। बिल्कुल व्यूअर चलते हैं फिर ट्राई करते हैं आइसक्रीम, एक से दिन भरता ही नहीं। चलो मनु भाई जो आप कह रहे हैं देखते हैं ऐसा पॉसिबल है भी कि नहीं, तो लेट्स सी व्यूअर चलते हैं वहाँ पर आइसक्रीम के ऊपर, तो चलते हैं, चले मनु भाई चले आगे। हम आ गए केबीस आइसक्रीम के ऊपर और अब हम चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, तो भाई इंशाल्लाह जब आइसक्रीम खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। मैं अभी आइसक्रीम ट्राई करने लगा हूँ व्यूअर्स, फिर मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुनव्वर भाई क्या लंबी लंबी छोड़े हैं या वाकई इतनी मज़े की है। नहीं तो इंशाल्लाह जब आप खाएंगे तो मज़ा आएगा। बैक साइड पर आप दिखा सकते हैं मुमताज़ भाई, काफ़ी लड़के खड़े हैं जो आइसक्रीम खा रहे हैं, तो अभी हम ट्राई करते हैं। तो मुनव्वर भाई ने कोई और जो स्पेशल कोई आइसक्रीम है उसके मतलब बहुत ज़्यादा बोला हुआ है, तो हम वही वाला फ्लेवर ट्राई करते हैं, ठीक है चलना है। कैसी लगी आपको ये केबिस की जो आइसक्रीम है? मैंने फर्स्ट टाइम खाई है, तो 10,000 बार मैं यहाँ से गुजरा हूँ, शायद मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मैं इन गलियों में बड़ा हुआ, लेकिन मैंने कभी आइसक्रीम ट्राई नहीं की, खाना मैंने 10 बार यहाँ से खाया हुआ, लेकिन जितनी लजीज जितनी टेस्टी आइसक्रीम है मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे इंशाल्लाह, तो नेक्स्ट टाइम मैं उन बड़े बड़े ब्रांड की आइसक्रीम खाने वाला नहीं हूँ। मतलब मेरे इतने से अल्फाज जो आपको समझ आ जाएंगे कि जितनी ये टेस्टी है मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो जैसे मैंने चैलेंज किया था आपको जो उस तरह की आइसक्रीम है वो उस तरह की बिल्कुल नहीं है, उससे 1000 टाइम बेटर है। मतलब इन्होंने तारीफ कम की थी और ये उससे कहीं ज़्यादा बेटर, मतलब बहुत ही लजीज, और आप देख रहे हैं कैसे गिर रही है, वो मुझसे रुका नहीं जा रहा। यार आइसक्रीम खाने में जितनी गंदगी है ना उतना ही मज़ा है। अल्फाज नहीं है मेरे पास बताने के लिए कितनी टेस्टी है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मनु भाई आपने सलीम के चना चाट खाई कैसी लिया?
बहुत जबरदस्त जबरदस्त आ गया था किचन चलो बहुत जबरदस्त। आपको कैसे लगी आइसक्रीम? यार मैं पहले कह चुका हूँ मैं इस आइसक्रीम के अलावा आज के बाद आइसक्रीम भी खाऊंगा। बहुत ही लजीज बहुत ही मज़े की है, एक बार इसको आप ट्राई करें मज़ा आ जाएगा। इसमें बहुत ही लजीज है आइसक्रीम, मैंने पहले खाई बड़ी अचानक अजीब सी बात है कि मैं यहाँ से 10,000 बार गुजरा हूँ, इस रेस्टोरेंट में मैं 10 बार खाना भी खाया था लेकिन यार मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई थी। मतलब हो जाता था पैक पाउल जाना इंसान से फ्लेवर कैसा था बहुत ही लजीज था। और ये आपने पहले खाई? नहीं बताया 10,000 बार गुजरा मैंने आइसक्रीम खाई नहीं कभी, बाकी मैंने खाई है ओरियो खाई है बड़े ब्रांड नहीं खाई है लेकिन इसके सामने ठीके हैं वो। ये बहुत ही मजे की है। कई दफ़ा आप DHA फेस वन में कमर्शियल मार्केट है ईशोन के पास में है के बीच, तो यहाँ पे आकर एक दफ़ा आप आइसक्रीम जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही मजे की है। तो आज का हमारा वीलॉग चना चाट गोलगप्पे और उसके बाद मनु भाई चैलेंज दिया था उसके ऊपर था मनु भाई ये चैलेंज आप देखिए तो बहुत ही मज़े का था। और व्यूअर्स अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीलॉग पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर पॉसिबल रहे तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा रहे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।